कमजोर पेड़ जरा सी आंधी आने पर जड़ से उखड़ जाता है, वैसे ही अपने हालात से घबरा कर गलत निर्णय लेना एक कमजोरी की निशानी है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल 10 तक के इस भाग में। अभी अभी जिस औरत को आपने मरते हुए देखा था, असल में वो औरत डेढ़ साल पहले मेरे ही पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल थी। बात है जून 2017 की, जब मैं नागपुर के पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। उस वक्त मनोरमा की किसी ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और ये केस जिस आदमी से जुड़ा हुआ था उस आदमी ने 140 औरतों के साथ शारीरिक संबंध रखे थे। इतना ही नहीं, 20 औरतों के साथ उसने रेप किया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जब हम उसके खिलाफ सबूत ढूंढने लगे तो एक भी औरत हमारे सामने उसके खिलाफ गवाही देने नहीं आई। हमारे सामने सवाल ये था कि आखिर एक आदमी इतने औरतों के साथ ऐसा दुष्कर्म कैसे कर सकता है। क्या पूछा? अब तो यहाँ आ रही थी तो एक बार बता के तो आती ना। दी, अगर बता देती तो सरप्राइज क्या रहता। 15 दिन में मेरे बैंक के पीओ के एग्जाम स्टार्ट हो रहे, तो सोचा थोड़े दिन जल्दी आ जाती हूँ और आप लोगों के साथ थोड़ी मस्ती कर लेती। नहीं नहीं पूजा, देख मैं तेरा आज ही होटल में इंतजाम करा देती हूँ रहने का। देख तेरे इम्तिहान है, अगर तेरे एग्जाम खराब हो गए तो मौसी तो मुझे ही ताने मारेगी ना कि तेरे को पढ़ने नहीं दिया अच्छे से। अरे रूपा, बाबा तू कब आई है? अरे वो पूजा मासी आई है ना, तो उनसे मिलने आई है दी। क्या बात कर रही है? हाँ। पूजा भी आई है? पूजा, अरे पूजा कैसी है तू? जीजू मैं ठीक हूँ। अरे देखो ना दीदी को क्या हो गया, वो मुझे होटल में रहने के लिए भेज रही है। क्या होटल? अरे तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरे साथ रहेगी, अपने जीजू के साथ। अरे गले तो मिल। पूजा पूजा ये ले, ये तू बाहर लेके जा, मैं आ रही। इम्तिहान है उसके, पढ़ने देना उसे। अरे तो कभी कभी थोड़ा बहुत रेस्ट भी तो चाहिए होगा ना मेरी साली को, है? है? कैसी है? गुस्सा है ना, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। साहब कुछ कीजिए ना साहब, मेरा घर छिन गया। आपने तो कहा था कि साहब मेरे पक्ष में सुनवाई करेंगे, कुछ कीजिए ना साहब, मैं विधवा हूँ, बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी, कुछ कीजिए। अरे ना साहब, देखिए ना थोड़ा, उसी जो सही लगेगा वही करेगा ना। देख मैंने तुम्हारे केस की बहुत पैरवी की, समझ गई, लेकिन ये जमीन जायदाद का मामला है, हर कुछ पक्का नहीं होता, ठीक है? चल देखता हूँ, देखता हूँ मैं। साहब, सर एक्चुअली मुझे काका के अगेंस्ट केस करवाना है। मैं अपने काका से परेशान। क्या और आनंद? कुछ नहीं, बस एक केस के सिलसिले में इनसे बात कर रहे हैं। साहब हेड क्लर्क हैं, बहुत खास हैं उनके, अगर इन्हें ठीक लगा तो साहब आपके पक्ष में फैसला सुना सकते हैं। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो बोल ना प्रॉब्लम क्या है। सर मेरे आई बाबा 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए और तब से ही मेरे काका काकी मेरे घर पे ही रह रहे हैं। ओ क्या किया तूने, पूरे कपड़े गंदे कर दिए। गंदा क्या किया? गंदा कर दिया, ओए साफ कर इसे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है, साफ करने को कहा ना। अरे उठ। मैं क्यों साफ करूँ कचरा पट्टी? देखिए कल मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ना है। पढ़ना है
तू हमारे टुकड़ों पे पलती है, तुझे खाना हम खिलाते हैं ना, चुपचाप से साफ कर। पर ये मेरा भी घर है, पर मैं क्यों करूँ ये फालतू काम? अब तो साफ करेगी ना, नहीं तो मैं तेरा इससे भी बुरा हाल करूँगी। सर वो लोग मुझे बहुत मारते हैं और मुझसे सारे घर का काम करवाते हैं और यहाँ तक कि मेरे घर पे कब्जा भी करके रखा हुआ है। अरे तू रो मत, ऐसा कैसे कर सकते हो लोग, ये तो गलत है यार। तू परेशान मत हो, मैं साहब से बात करूंगा तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा घर दिलवाएंगे। नंबर दे 3325 67। मैं बात करके तुमको बताता हूँ, ठीक है? परेशान मत होना। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे केस लेंगे, उन्होंने पुलिस केस भी नहीं किया है। अरे तू चुप रह, मुंह बंद रख अपना, मैं सब देख लूंगा। हेलो। हाँ माधुरी। हाँ साहब ने कल टाइम दिया है मिलने के लिए, टाइम पर आ जाना, एड्रेस लिख लो। हाँ और सुनो, कुछ हो तो लेके आना। हूँ हाँ हाँ, देखता हूँ तेरा केस। जी सर, थैंक यू। अरे सड़क बाजू चल, चलिए साइड हुई है, आप लोग साइड हुई है, चलिए। सर मैंने ही आपको फोन किया था। कौन है? सर ये रेणुका और उसका बेटा, यहाँ इसी घर में रहते थे, घर का केस चालू था, केस हार गए तो सर इसी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। करवे सर जबोगे ऊपर। और सर उसके घर का सामान यहीं पे पड़ा हुआ है। सिरगे जरा चेक करो, चेक कराई ला। सर कुछ मिला? नहीं सर कुछ नहीं मिला। अरे सुजी, ये ले पूरे 10,000 है। 10,000? ये कहाँ से है? छोड़ना, बताना। अरे वो आईने मेरे को बर्थडे पे चेन दी थी ना, वो बेच दी मैंने, बोला खो गई। तूने मेरे लिए अपनी चेन बेच दी? तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चल एक मिनट, तू कहाँ जा रहा है? वकील के घर पे। पर क्यों, तू नहीं जा सकता? मैं नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि अगर सर पूछेंगे तू कौन है तो क्या बोलूंगी? अरे तो बोल देना ना बॉयफ्रेंड हूँ, शादी करने वाले। तू ना पागल है, मैं जाके आती हूँ, मुझे देर हो रहा है। पक्का? हाँ। अरे मैं चलता हूँ ना, प्लीज तू रुक ना, मैं आती हूँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है। हाँ अच्छा सुन, ध्यान रख। सर शिरके, मेरी मौत की वजह कोर्ट का क्लर्क अखिलेश मोरे। शिरके दोनों बॉडीज को भेज दो पोस्टमार्टम के लिए, और ये अखिलेश मोरे को तो मिलना ही पड़ेगा। अरे नमस्ते, आ गई, आ जा। साहब से बात हो गई है, थोड़े टाइम आते ही होंगे, बैठ ना। उन्होंने क्या बोला कि काम हो जाएगा? और क्या, अरे घर तेरे बाबा का है, मतलब तेरा है, तो वो लोग कैसे रह सकते हैं? तू जूस पिएगी? नहीं लाता हूं।
ये लो। थैंक यू। जूस पियो, आराम से बैठो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं। सर, सर, आप ये क्या कर रहे हैं? सब अच्छा हो जाएगा। अखिलेश जी, कुछ काम था? रेणुका सीतावरडी कॉलोनी में इसने सुसाइड किया है। सुसाइड? सुसाइड नोट में आपका नाम है। मेरा नाम? एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ सर, ये आई तो थी एक केस के लिए मदद मांगने। पर केस बहुत कच्चा था सर, हार गई बेचारी। लेकिन सुसाइड? अच्छा, तो सुसाइड नोट में आपका नाम क्यों है? अब मैं क्या बोलूं क्यों है? कितने लोग आते हैं यहाँ मदद मांगने के लिए, अब हर किसी की मदद तो नहीं कर सकते ना सर। अब उसके लिए केस भी मजबूत होना चाहिए। देखिए, मुझे भी अफसोस है कि इसने सुसाइड किया, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है सर। सिरके, इसके और रेणुका के कॉल डिटेल्स निकालो। आई एम श्योर इसने कुछ तो किया होगा। ठीक है सर। माधुरी, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? कल से कॉल कर रहा हूँ, फोन का रिप्लाई भी नहीं दे रही। वहाँ पे क्या हुआ बताना। उस अखिलेश ने मेरे साथ रेप किया। रेप? माधुरी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं तेरे साथ। छोड़ दे मुझे, अब मैं गंदी हो चुकी हूँ, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। माधुरी, कैसी बात कर रही है तू? तुझसे बचपन से प्यार करता हूँ मैं, तू मेरे लिए कभी गंदी नहीं हो सकती। माधुरी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुझसे शादी करूंगा। लेकिन उस अखिलेश को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तू आगे जा, उधर वेट कर। हाँ। और चेहरा ढाप लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ जल्दी। अच्छा, संभाल के जाना, ठीक है? हाँ हाँ, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम भी ना बस कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। आराम से। बाय। अब क्या भूल गए? अब क्या रह गया? रूपा, रूपा, हेलो। आई रूपा ने बांसुरी लगाई। आई क्या?
तुम कहाँ थे सब हुआ तब? मैं अपने शॉप पर गया था सर, और जब घर वापस लौटा तो ये शिरके, ये देखो इसके पैर गंदे हैं लेकिन स्टूल साफ है। मुझे शक है शिरके, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। घर में देखो किधर सुसाइड नोट लिख के रखी है क्या, और आसपास पूछताछ भी करो किसी ने घर में आते जाते किसी को देखा क्या। आसपास सीसीटीवी हो तो उसके फुटेज भी कलेक्ट करो। ठीक है सर। रूपा, 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 कुछ बोलो बेटा, रूपा, रूपा। नाटक कर रहा है, उठ, नाटक कर रहा है तू। इसने मारा मेरी बीवी को, इसने मारा है सर मेरी रूपा को। भाग लो यार तू। शिरके, बॉडी को पोस्टमार्टम भेज दो, फॉरेंसिक वाले को बुला और इन सबको पुलिस स्टेशन लेके चलो। चलो हमारे साथ। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मर्डर आपके ससुर ने किया था? मेरी पत्नी ने मुझे फोन करके बुलाया था साहब। रूपा प्लीज बताओ मुझे क्यों रो रही हो तुम? बाबा, बाबा ने मुझे मोलेस्ट किया। मुझे मुझे चाकू दिखा के मेरे मेरे सारे कपड़े उतार के मेरी वीडियो बना ली रजत। मैं तुम्हारे कमीने बाप को छोड़ूंगा नहीं रूपा। उसके बाद मैं तुरंत अपने ससुर के घर गया लेकिन वो वहां नहीं था। दरवाजा खोल। हाँ खोल रही हूँ। रजत कहाँ गया आपका वो कमीना पति? ऐसे कैसे बात कर रहे तुम रजत? है क्या हुआ? क्या हुआ? अरे रूपा को मोलेस्ट किया है उसने, वीडियो बनाई है उसकी। अरे कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं घर पर ही थी। वो छोटे से बात पे दोनों का झगड़ा हो गया और रूपा गुस्से में घर से चली गई। अब तू तो जानता ही है ना कि रूपा अपने बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है बेटा। बेवकूफ बना रहा है वो आप सबको, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था साहब। मैं दुकान लॉक करके चाबी देने गया और जब घर वापस लौटा तो बकवास कर रहा सर वो। सच तो यह है कि पैसों के लिए वो मेरी बेटी को मारता पीटता था, उसको परेशान करता था। आई मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं जानती हूँ ये तू नहीं बोल रही है, तेरा पति तुझसे बुलवा रहा है। अरे तो इसमें गलत क्या है? रजत को पैसे चाहिए, रियल एस्टेट का बिजनेस बढ़ाना चाहता है। अरे तो अपनी छोटी बहन के बारे में भी तो सोच, उसकी भी शादी करनी है अभी मुझे। और जब मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो वो घर पे आके मुझसे लड़ने लगा। अरे रजत बेटा आओ। आप रूपा को पैसों के लिए ऐसे कैसे मना कर सकती है? आखिर वो भी तो आपकी बेटी है ना। बेटा पैसे नहीं है तो कहाँ से दूंगी? ये आप बहुत गलत कर रही हैं, बहुत पछताएंगी। देखिए पैसे तो मैं लेकर रहूंगा चाहे जो भी हो। सर आप ये बताइए कोई बाप अपनी बेटी को मोलेस्ट कर सकता है क्या? उसने मेरी बीवी को मोलेस्ट किया था साहब, और उसका वीडियो भी बनाया था। आप उसका मोबाइल चेक कीजिए। तुम्हारा मोबाइल देखो। मोबाइल चेक किया है उसका हमने, कुछ नहीं है वीडियो वगैरह। तो उसने वीडियो डिलीट कर दी होगी साहब, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। सच की खास बात क्या है मालूम है तेरे को? वो झूठ के कितने भी बड़े परत के नीचे छुपा लो सामने जरूर आता है। देखो तुम्हारे पति का नाम और एक सुसाइड केस में आया है, तुम पुलिस वाली हो, मुझे लगता है तुमने सच का साथ देना चाहिए। मेरे पति ने कुछ नहीं किया, वो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है अब क्या करें सर? शिरके मुझे लगता है रूपा ने सुसाइड नहीं किया है, वैसे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब पता चल ही जाएगा। तो जहां मैं आती क्या हुआ? ये देख रूपा की सुसाइड की खबर छपी है। आई मेरी बच्ची मर गई, आई फूल सी बच्ची थी भाई रूपा।
उस रजत की वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं आई, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तू मेरा साथ देगी ना आई? सर वो मेरे पति ने जानकर कुछ नहीं किया था, किसी ने उनके बैग में ड्रग्स डाल दिए थे। देखो ड्रग्स का केस है, लंबा जाएगा बेचारा, लेकिन मैंने साहब से पर्सनली बात किया है तो छूट जाएगा। अब कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए करूंगा ही ना। ये क्या कर रहे हो आप? देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि तेरे पति के पास घर आने का मोटिव है भी या नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे घूर क्या रही है तू? पति चाहिए ना, चाहिए ना पति? सर क्या स्टेटस है? सर एक गार्ड से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग में एक फ्लैट है, किसी जज के नाम पर है, लेकिन वो जज यहाँ रहते नहीं है, लेकिन अखिलेश यहाँ आता है। सर इन्होंने ये भी बताया है कि बहुत सारी औरतें यहाँ आती जाती रहती है। जी हाँ सर, थोड़ी देर पहले एक औरत अंदर गई है। सर सर कुछ समझ नहीं आ रहा, एक लड़की अखिलेश से मिलने उस फ्लैट पर गई थी और रोते हुए घर से निकली, और जैसे मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो बताने के लिए तैयार ही नहीं है। ये अखिलेश बहुत चालू आदमी है, एक काम करो शिरके, उसके मोबाइल में जितने भी लड़की और औरतों के नंबर है ना उनसे पूछताछ करो। ठीक सर, सबके कॉल डिटेल्स और ये रूपा की पीएम रिपोर्ट। क्या देखो रिपोर्ट में? सर आपका शक सही निकला, रूपा का मर्डर गला दबाकर ही किया गया, और सर इस मर्डर को आत्महत्या दिखाने के लिए उसे फांसी पर लटकाया गया। सर मौत 2 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है, और सर क्राइम स्पॉट पे किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले, इवन रूपा तक के नहीं, बाद में साफ किए गए होंगे। अच्छा कॉल डिटेल्स क्या है? सर कॉल डिटेल्स के हिसाब से अखिलेश का फोन कोर्ट में ही एक्टिव था, और सर इसने यहीं से रूपा से भी बात की थी। सर मैंने कोर्ट के मेन एड्रेस के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, उसमें सर वो सुबह अंदर गया था कार लेके, शाम को 6 बजे ही बाहर निकला। मतलब रूपा की मौत के बाद? सर ये रजत की कॉल डिटेल्स के हिसाब से ये घर पर ही था। ये रजत को लेके आ, जब मैं रूपा से बात करने गया था तो गुस्से में मेरा मोबाइल घर पर ही छूट गया था। सर गुस्से में मोबाइल घर पे छोड़ा है या गुस्से में अपने बीवी का मर्डर कर दिया? तूने तेरे बीवी को उसके घर पे भेजा था पैसे लेने के लिए, जब उसके माँ बाप ने पैसा देने से इनकार कर दिया तूने उसको मार दिया और फांसी से लटका दिया ताकि हमको लगे कि उसने सुसाइड किया है। बाद में तू तेरे सास के घर पे गया, उससे झगड़ा किया ताकि हमको तू नई कहानी सुना सके। नहीं सर मैंने उसे नहीं मारा है, मैं तो मेरी बीवी से बहुत प्यार करता था, ये तो उसके घर वाले ही थे जो पता नहीं किस वजह से उससे हमेशा से ही नफरत करते थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही जाली एज सर्टिफिकेट बनवाकर उन्होंने उसकी शादी करवा दी थी। सर मुझे तो लगता है मेरी रूपा को उसके घर वालों ने ही मारा है। सर नहीं, वो तो बहुत ही भले इंसान है, मेरा घर उन्हीं की वजह से बचा है। अखिलेश ने आपके साथ कोई बदतमीजी की थी? नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या अखिलेश ने आपके साथ बदतमीजी की थी? घबराइए मत, बताइए हमें। नहीं चलिए। अखिलेश के कॉल लिस्ट में जितनी भी लड़कियां और औरत थी उन सबसे हमने बात की, लेकिन एक भी औरत और लड़की उसके खिलाफ केस करने के लिए तैयार नहीं थी। अगर कोई भी उसके खिलाफ केस करता तो आज वो सलाखों के पीछे होता। मनोरमा वो तो पुलिस में थी लेकिन वो भी चुप थी, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, वरना मनोरमा जैसी कानून की रक्षा करने वाली अपने नाबालिग लड़की की शादी करके कानून क्यों तोड़ती? आखिर उसे किस बात का डर था? सुनना है, माफ कर देना, अरे एक तू ही तो है जिससे बात करके मुझे अच्छा लगता है।
वरना बाकी तो सब साले। अरे सपना। हाँ बाबा। कितना पढ़ाई करेगी बेटा, जा बाहर दोस्तों के साथ खेल थोड़ा। ओके बाबा। सुन। हाँ? आराम से आना। हाँ। अरे जीजू आप, मैं आप सबके लिए ना पत्ता गोभी की सब्जी बना रही हूँ और पालक पनीर भी बना रही हूँ। पता है मैं इतनी टेस्टी सब्जी बनाती हूँ ना कि आप दीदी के हाथ की भी भूल जाओगे और ना खा खा के आप अपनी उंगलियां भी चाटने लग जाएंगे। बस थोड़ी देर अभी बनती होगी। चार चम्मच शक्कर वाली चाय दिमाग की बत्ती जलाए। चला जा। सर रजत का बॉस आया है उसकी बेल एप्लीकेशन लेकर। छोड़ दो। ठीक है सर। सर मुझे अपने पति के खिलाफ FIR लिखवाना है। क्यों, अब क्या किया उसने? मैं तेरे खिलाफ खुद FIR लिखवाऊंगी। FIR लिखवाए? अगर तूने मुंह खोला ना तो तेरी बहन तो क्या, तेरी छोटी बेटी को मैं नहीं छोड़ूंगा, समझे? बेटी है वो तेरी। सर दरअसल मैंने पहले आपसे झूठ बोला था, उसने मेरी रूपा को मोलेस्ट किया था। जंगली आदमी है वो। लाजा को लिए पहले क्यों झूठ बोला आपने? तो और क्या करती सर, कैसे बताती कि रूपा के साथ उसी के बाप ने मेरे छोटे बेटे से शादी कौन करता सर? उसने किस किस के साथ गलत काम किया मालूम है? नहीं सर, लेकिन पत्नी है उसकी तो इतना तो पता चलता ही है ना कि पति कैसा है, इसलिए मैंने रूपा की शादी चलती करती थी सर। लेकिन सर मुझे डर लग रहा है सर कि वो मेरे छोटे बेटे के साथ भी सब इस कुछ किए। नहीं डरो मत, डोंट वरी, वो बाहर रहेगा ही नहीं कुछ गलत काम करने के लिए। शिरके इसकी FIR ले लो और चलो। आइए आइए कर ले, अंदर देखो। पूजा कहाँ है? पता नहीं सर। फोन लगाओ। अंदर तो नहीं है सर। सर अखिलेश अंदर नहीं है। हेलो। हेलो पूजा, कहाँ है तू? मैं घर जा रही हूँ। सर वो वापस चली गई है। अखिलेश को फोन लगा। जी सर, स्विच ऑफ बता रहे। तुम इसके साथ रहो, उसको तुम्हारी जरूरत है। चलो चलते। फिर के ये अखिलेश देखो कहाँ है, दूसरे फ्लैट पे भी देखो। ठीक है सर। ठीक है मैं आती हूँ। पाटिल सड़ी नीट करा, सर की जरा चेक करो। सर मैं यहाँ से जा रहा था, लाश देख के और आपको मैंने फोन किया। ये देखो शिरके, शिरके किसी नोकीले चीज से गोद गोद के मारा है।
कपड़ों की हालत देख के लगता है किसी ने बलजबरी करने की कोशिश की है, लेकिन मर्डर मारने के इरादे से नहीं आया था शायद। जो भी चीज हाथ में लगी उससे मार दिया। सर मनोरमा वैसे भी डिपार्टमेंट में थी, सर वैसे भी पुलिस के काफी दुश्मन होते हैं, हो सकता है कि मनोरमा के किसी दुश्मन ने काम किया। अखिलेश ये काम अखिलेश कर सकता है शिरके, क्योंकि मनोरमा ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी और गुस्से में था। मुझे अखिलेश चाहिए। सर हमने अखिलेश के फोन को ट्रेस किया है, लेकिन उसका फोन कल रात से ही बंद है और सर उसके फ्लैट पर भी कोई नहीं है। शिरके मुझे वजह मत दो, अखिलेश को ढूंढ के निकालो, अपने खबरियों का काम पे लगा, उसका फोटो पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर्च करोगे कर डे बगा मिल जाएगा। सर बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज दो। एक काम करो, अखिलेश का मोबाइल डाटा चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर पीएम मनोरमा के कॉल रिकॉर्ड्स और सर ये पीएम रिपोर्ट आई। सर पीएम रिपोर्ट में लिखा है कि उसके ऊपर रेप किया गया। सर बॉडी पे सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं। सर उसके ऊपर पेन से हमला किया गया। पेन? जी सर। और सर एक कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मनोरमा ने आखिरी बार रजत से बात की थी और दोनों की लास्ट लोकेशन मैच भी करती है। क्या ऐसा तो नहीं रजत ने मनोरमा को मार दिया? वो गुस्से में था क्योंकि मनोरमा ने उसका साथ नहीं दिया था, ऊपर से उसके ऊपर वो एलिगेशंस भी लगा रही थी कि रूपा के लिए वो दहेज मांग रहा है। रजत चाहता था कि रूपा घर से पैसे लेके उसे दे। रजत गुस्से में आया, उसने मनोरमा को मार दिया। एक काम करो रजत को उठा के लाओ। ठीक है सर। सर रजत गायब है। गायब है? सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो, जहां भी छिपा होगा ना ढूंढ के निकालो। सर सर अखिलेश के फोन में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आईटी एक्सपर्ट का ये कहना है कि उसने अपने एक नंबर से दूसरे नंबर पर काफी हैवी फाइल ट्रांसफर की थी। ये दूसरा नंबर किसका है? सर एड्रेस निकलवाया है, आगे पीपला का है। फ्रेंड इधर आओ। हाँ सर। यहाँ कौन रहता है? यहाँ अखिलेश मोरे करके आदमी रहता था। अखिलेश मोरे कहाँ है वो? लेकिन पिछले 3-4 साल से कोई नहीं रहता। हाँ महीने में 15 दिन में एक आध बार जरूर आता था यहाँ पे। और कोई रहता है? हाँ उसकी माँ रहती थी, लेकिन 3-4 साल से वो भी गायब है। गायब? चलिए। शिरके शिरके आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? कर दे बगा जरा। सर फोन मुझसे गलती हो गई है। शिरके ये तो अखिलेश की कन्फ्यूशन वीडियोस है, लेकिन इस मोबाइल में कैसे? सर वो पड़ोसी ने बताया था कि अखिलेश की माँ 3 साल से गायब है। हाँ उसकी माँ रहती थी, लेकिन 3-4 साल से वो भी गायब है। और अखिलेश हर 15 से 20 दिन में यहाँ आता है। यानी अखिलेश ने अपने माँ को मारा होगा। अखिलेश के घर जाते हैं शिरके। सर जो हुआ सो हुआ, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हेल्प करेंगे। तो मुझे मेरा घर वापस चाहिए, उसके बदले आपको जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। सर अभी अभी खबर मिली है अखिलेश घर पर आ गया। अरे ए, चादर शिरके हॉस्पिटल लेके चलो। ला 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 चल 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 हॉस्पिटल लेके चला चला। उतर 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 नहीं। एक काम करो अखिलेश के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। सर 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 हमने अखिलेश के साथ वो सब किया। तू बोल ना प्रॉब्लम क्या है, बैठ ना। कपड़े खुद उतारेगी कि मैं उतारूं?
मैं उतारूंगी। अच्छा तो क्या मनोरमा और रूपा के हत्या में भी तुम दोनों का हाथ है? हम रूपा से मिलने गए थे। मैं आपके बाबा के पास एक केस के सिलसिले में गई थी और उन्होंने अपने घर पर बुलाया मुझे। छी! कितने घटिया इंसान है वो। और फिर उसी दिन न्यूज़पेपर में हमने देखा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम पुलिस स्टेशन आए थे लेकिन फिर पता चला कि अखिलेश की वाइफ ही यहाँ पर कांस्टेबल है, जिसकी वाइफ यहाँ पुलिस में कांस्टेबल हो और जो कोर्ट में क्लर्क है उसके खिलाफ कोई क्या कर सकता है सर? जो भी हो, तुम दोनों ने अपराध किया है, तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था क्योंकि हम खुद अखिलेश के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे थे, लेकिन अब तुम दोनों अपराधी बन चुके हो। तेरे पिपला गांव के घर से एक कंकाल मिला है, तेरी माँ का है, तूने मारा था उसको? तो क्या करता, कितना चिक-चिक करते थे, मार दिया। तूने जो वीडियो बनाया उसमें भी तूने कन्फेस किया है कि रूपा को भी तूने मारा है। हाँ तो वो भी तो मेरी आई पर गई थी ना, नंगा करके वीडियो बनाया उसका, सोचा चुप बैठेगी, लेकिन नहीं, अपने बाप को फोन करके बोलती है कि चुप नहीं बैठूंगी, पुलिस के पास जाऊंगी और बता दूंगी कि मैंने माधुरी का रेप किया है। क्या करता, इसलिए मैंने कोर्ट में मोबाइल छोड़ा और आनंद की गाड़ी लेकर बाहर आ गया। आपको जेल भिजवाऊंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं आपको इसे। कोई अपने बाप से ऐसे बात करता है क्या? मनोरमा को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उसे। अखिलेश और सुजीत के डीएनए हमने मनोरमा के बॉडी से मिले हुए सीमेन से मैच करके देखे और ये साबित हो गया कि उन्होंने मनोरमा का रेप नहीं किया था। इसका मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता था कि शायद उन्होंने उसको मारा भी न हो। तो फिर क्या सच में रजत ने अपने सास के साथ रेप करके उसको मार दिया था और इसीलिए वो छुप के बैठा था? जल्दी रजत को भी हमने कब्जे में ले लिया। नहीं सर, मैंने उन्हें नहीं मारा। अरे तू उसको मिला था लास्ट टाइम? हाँ, तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है मर्डर स्पॉट का। बिल्कुल सही है सर, लेकिन पहला कॉल उन्होंने किया था जो मैं उठा नहीं पाया, और जब मैंने उन्हें कॉल बैक किया तो उन्होंने मुझे वही मिलने के लिए बुलाया था। मुझे माफ कर दो रजत, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, अपने बेटे की मदद नहीं कर पाई। अखिलेश ने रूपा को पुलिस किया था पर मैं सपना के कारण चुप रही। बहुत ही हैवान आदमी है वो। फिर मैं वहां से निकल गया सर। अगले दिन जब उनके मौत की खबर सुनी तो मैं काफी डर गया था, इसीलिए मैं भाग गया। मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे तूने मारा है, तूने ही मारा है। तेरे को गुस्सा था ना, इसलिए तूने पेन भोग भोग के उसको मार दिया। इसका डीएनए टेस्ट करो। यस सर। ओके सर, वकील्स के सारे रिकॉर्ड खंगाल लिए, क्लीन लग रहा है सर। शिरके, कभी कभी कातिल हमारे नजर के सामने रहता है लेकिन हम देख नहीं पाते। एक काम करो, इसके बारे में सारी जानकारी हासिल करो। वकील बाबू, तुम्हारा और मनोरमा क्या रिश्ता था? कुछ नहीं सर, हमने तो सुना तुम एक गांव के हो, तुम्हारी शादी होने वाली थी मनोरमा से। सर जाने दीजिए ना, बहुत पुरानी बात है, 20 साल हो गए। अरे ऐसा कैसा, बात भी 20 साल पुरानी, प्यार भी पुराना है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, मनोरमा ने एकदम से अखिलेश से शादी कर ली है ना? अभी उसे जो करना था उसने कर दिया। मर्डर स्पॉट पे क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, तुम वहां थे। बताओ क्या कर रहे थे? नहीं बताओगे? ठीक, इनका डीएनए टेस्ट करो। चलो चलो चलो। एक मिनट साहब, मैं मानता हूं मैं वहां था,
लेकिन मैंने वहां मनोरमा को देखा तो उससे बात करने के लिए गया था साहब। मैं मनोरमा बोला था ना तुझसे, ये अखिलेश अच्छा आदमी नहीं है, छोड़ दो उसे, मुझसे शादी कर ले। जानते हो ना मनोरमा, मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ, तेरे लिए मैंने अभी तक शादी भी नहीं की है। देख मैं वैसे बहुत परेशान हूँ, और रही बात अखिलेश की ना, तो उसे तो मैं पहले ही छोड़ने वाली हूँ, पर मैं तुझसे शादी क्यों करूँ? तू ना तो मुझे पहले पसंद था ना अब। तू जा यहाँ से। बहुत प्यार करता था साहब मैं उसे, बहुत प्यार करता था। ये प्यार नहीं, ये वैश्यपन है। लेके जाओ इसको। आनंद और अखिलेश को उसके किए की सजा मिल गई। माधुरी और सुजीत को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। माधुरी के सामने आते ही बहुत सारी औरतें सामने आई जिनके साथ अखिलेश ने दुष्कर्म किया था, और उन्होंने उसके खिलाफ बयान दिया। लेकिन पहले कोई औरत सामने क्यों नहीं आई? क्या उन्हें दस्तक नहीं मिली थी कि उनके एक चुप्पी की वजह से एक अपराधी को अपराध करने की हिम्मत मिल रही थी? अगर पहले ही किसी महिला ने उसके खिलाफ आवाज उठाई होती तो अखिलेश 140 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए आवाज उठाइए, क्योंकि आज आप चुप बैठेंगे तो कल कोई ना कोई आपको अपना शिकार बना सकता है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।